गाइस वेलकम, मैं हूँ पारमिता और आज मैं फर्स्ट हिंदी ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं कितना अच्छा होगा, तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तो टाइम हो गया है 6:30, तो शाम के टाइम है, तो अभी से मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो चाय के साथ है मलाई टोस्ट, मुझे बहुत पसंद है और आज थोड़ा भूख भी लग रहा था, नहीं तो बिस्किट और चाय बस हो जाता है मेरा। तो आज थोड़ा भूख लग रहा था करके दो ब्रेड का मलाई टोस्ट बना ली हूँ। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए मलाई टोस्ट और उसके साथ चाय। मलाई टोस्ट और चाय मैं फिनिश कर लेती हूँ और ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो बोलना, मैं बाद में शेयर कर दूँगी। और एक बार तो चलिए ये फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात होता है। चाय पीना हो गया है, अभी फटाफट किचन में आ गई हूँ और इस टाइम मेरे बेटा को थोड़ा भूख लग जाता है, तो उसके लिए अभी बनाने जा रही हूँ एक नूडल्स, बंगाली स्टाइल जो जैसे बनाते हैं वैसे बनाऊँगी। बेसिकली मैं बंगाली हूँ, सो आप लोगों को शेयर करूँगी ये रेसिपी। सो देखिए सारा कुछ रेडी करके भी मैं रख दी हूँ, फिर भी और एक बार मैं दिखा देती हूँ। सारा कट के रख दी हूँ। यहाँ पे है दो मीडियम साइज आलू जो पतला करके कट के रखी हूँ। यहाँ पे है एक कैप्सिकम, वो भी कट के रखी हूँ। और यहाँ पे है एक अंडा, आप चाहे तो दो या तीन दे सकते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे पास फ़िलहाल एक अवेलेबल था तो वो है। और यहाँ पे है गाजर, वो भी एक ली हूँ। और इसमें है मैगी मसाला और सारा मैं कट के रख दी हूँ। और यहाँ पे है मैगी, दो पैकेट ली थी, मैं मैगी से ही आज नूडल्स बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अगर अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट करके बोलना। तो चलो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं ऑयल डाल दूँगी। तेल डाल दे रही हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल में बनाऊँगी, थोड़ा सा गरम हो जाए। उसके बाद आलू जो कटी थी और गाजर दोनों एक साथ डाल दूंगी। सारा डाल सकते हो और भी अच्छा लगेगा। देखिए फ्राई हो चुका है, अभी बीच में मैं वो जो अंडा घोल के रखी थी वो डाल दूँगी। इसी टाइम थोड़ा सा ओवन को हाई रखना ताकि अच्छे से अंडा फ्राई हो जाए सब्जी के साथ। शाम के टाइम अच्छा लगता है, ये बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद है।
थोड़ा सा केचप डाल दूंगी। आप चिली सॉस भी डाल सकते हो, फिलहाल मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो इसलिए। अभी मैं मैगी जो बना के रखी थी वो भी डाल दूंगी। सारा एक साथ मिक्स कर लूंगी। और मैगी मसाला भी डाल दूंगी ताकि एक साथ और भी अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए ठीक है क्योंकि अंडा डाली हूँ। तो घर पे ज़रूर ट्राई करो, अच्छा लगेगा तो कमेंट करना। देखिए रेडी हो गया है, अभी मैं सर्व कर लूँगी। दिखने में भी अच्छा लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ट्राई करना। तो बन गया है, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हूँ और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों के पास अगर और वेजिटेबल्स होगा तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास इतना ही अवेलेबल था तो वही इसलिए डाली हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और मेरे बारे में भी अगर कुछ जानना हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स पे बोलना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, थोड़ा सा बात करने में बिजी हो गई थी, तो उसके बाद आप लोगों से फिर बात हो रहा है। तो मैं बेसिकली बंगाली हूँ और मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, वो मुझे पता है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं अभी तो ऐसे सिचुएशन भी इतना अच्छा भी नहीं है, तो घर में बैठे बैठे सही में बहुत बोरिंग लग रहा है, और वॉकिंग कुछ भी नहीं हो रहा है एक्टिविटी, तो पूरा दिन घर में बस इतना ऐसे ही चल रहा है पूरा दिन। क्या करें, आप लोगों का भी लाइफ मुझे लगता है ऐसे ही चल रहा होगा सबका, पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, पता नहीं। सो चलो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो अभी के लिए इतना ही। और चलो फिर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सो चलो, बाय बाय।